नमस्कार, इन खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आशीष राजेंद्र कुमार। 1 दिसंबर 2019 यानी आज BCCI की 88वीं वार्षिक आम बैठक यानी कि AGM की मीटिंग थी। इसमें कई सारे बड़े बड़े फैसले हुए, लेकिन जो सबसे बड़ा मुद्दा था या कह लीजिए जिस विषय पर आज इस मीटिंग में बातचीत हुई, तो वो ये था क्या सौरभ गांगुली जो कि BCCI के मौजूदा समय में अध्यक्ष हैं उनका कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि जो उनका कार्यकाल है वो 9 महीने का यानी अगले साल 2020 जुलाई के आसपास का उनका समय है जब वो BCCI अध्यक्ष पद का उनका कार्यकाल समाप्त होने का। तो ऐसे में जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रस्तावित कह लीजिए एक तरीके से संशोधनों के बारे में ढिलाई देने के लिए या जो नियम तरीके से रखे गए, तो उनमें फैसला लिया गया है और ये बात विचार हुआ है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने जब लोड्डा समिति का इसमें हस्तक्षेप हुआ था तो कई सारे नियम बनाए थे, उन नियमों के हिसाब से प्रशासनिक सुधारों में थोड़ी बहुत ढिलाई देने की मांग कही है। अगर सुप्रीम कोर्ट इस पर अपनी रजामंदी दे देता है तो सौरभ गांगुली का कार्यकाल जो 9 महीने का है वो 5 साल के लिए बढ़ा दिया जाएगा और 2024 तक सौरभ गांगुली BCCI के अध्यक्ष पद पर बने रहेंगे। बड़ी अपडेट यही है इस बैठक से। कई अधिकारियों ने इस मुद्दे पर लेकर बातचीत की और इस मुद्दे पर बातचीत करने के साथ साथ और सभी ने इस बात पर रजामंदी जताई कि जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रशासनिक सुधार किए गए तो उनमें थोड़ी बहुत ढिलाई दी जाए ताकि आने वाले समय में जो BCCI अध्यक्ष पद के जो कार्यभार जो संभालता है व्यक्ति, उसके कार्यकाल को थोड़ा और बढ़ाया जाए और कई और बदलाव किए जाएं। बता दें आपको, गत 23 अक्टूबर को सौरभ गांगुली ने बतौर BCCI अध्यक्ष के रूप में ये कार्यभार संभाला था और अब से वो लगातार BCCI अध्यक्ष पद पर बने हुए हैं और इतने कम समय के अंदर ही उन्होंने भारतीय टीम को डे नाइट टेस्ट खिलाने का एक नया अवसर प्रदान किया, साथ ही साथ टीम इंडिया को उस इतिहास का हिस्सा बनाया जिस इतिहास के लिए कई और विदेशी टीम उससे जुड़ चुकी थी। डे नाइट टेस्ट की बात कर रहा हूँ, मुझे गुलाबी गेंद से गेम खिला दिया भारतीय टीम को और साथ ही साथ जो प्रथम श्रेणी यानी कि डोमेस्टिक लेवल पर क्रिकेटर हैं उनमें भी काफ़ी सुधार के लिए गांगुली ने पहल की है। डोमेस्टिक क्रिकेट में जो प्लेयर्स आते हैं या जितने भी खिलाड़ी हैं उनके वेतन भत्ते को लेकर भी गांगुली काफ़ी कुछ बोल चुके हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए कि 2003 में भारतीय टीम को वर्ल्ड कप फाइनल तक पहुंचाने वाले भारतीय टीम के सफल कप्तानों में से एक सौरभ गांगुली का कार्यकाल अगर 5 साल के लिए तो बढ़ता है तो भारतीय क्रिकेट जगत के लिए काफ़ी सुनहरा अवसर रहेगा। लेकिन जब तक सुप्रीम कोर्ट इस पर अपनी रजामंदी नहीं देगा या मंजूरी नहीं देगा तब तक ये फैसला फाइनल नहीं होगा। खैर, इस मामले से जुड़ी जो अपडेट आएगी मैं आपको देता रहूँगा। देखते रहिए इन खबर। धन्यवाद। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।